नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे सहयोगी अभिषेक कुंडीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने के बाद ये तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं। 7 तारीख को एनडीए की एक बार फिर बड़ी बैठक होगी, संसदीय दल का नेता चुना जाएगा नरेंद्र मोदी को, उसके बाद तय किया जाएगा कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 8 तारीख को मोदी शपथ लेंगे, लेकिन इस एनडीए की बैठक के तुरंत बाद एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई और ये तस्वीर थी एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात की। इस मुलाकात ने पूरी राजनीति में हड़कंप मचा दिया। कहा जा रहा है अभिषेक कि मोदी शाह भी हैरान हो गए इस तस्वीर को देखकर। देखिए, तस्वीर वाकई में हैरान करने वाली है, क्योंकि एमके स्टालिन जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन की एक मजबूत पार्टी, अच्छी खासी सीटें उन्होंने तमिलनाडु में ली हैं और उन्हीं के सहयोग से कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें तमिलनाडु में आई हैं वो उन्हीं के सहयोग से आई हैं। उसके बाद जैसे ही बैठक खत्म होती है, आपको पता है कि कल तकरीबन 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव पास किया गया, सभी पार्टियों ने समर्थन दिया। चंद्रबाबू नायडू हों, वो फिर आपके एकनाथ शिंदे हों, नीतीश कुमार हों, जितने भी उनके चिराग पासवान हों, जितने भी उनके घटक दल हैं, सभी ने प्रस्ताव दिया, लिखित में समर्थन पत्र दे दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही चंद्रबाबू नायडू वापस आंध्र प्रदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, क्योंकि वहां भी वो उन्हें जो है शपथ लेनी है, चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री बनना है, तो दोनों हाथ में मुख्यमंत्री का भी लड्डू है और केंद्र की सत्ता पर आसीन होने का मजबूती से वो भी उनके पास मौका था। एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात होती है एमके स्टालिन से, और एमके स्टालिन से मुलाकात, अगर दो नेता एयरपोर्ट पर मिलते हैं, मुलाकात होती है, हालचाल पूछते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप बैठ कर आराम से सोफे पर हंसते हुए खिलखिलाते हुए बात करते हैं तो तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर देती हैं, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत कुछ बयान कर देता है। इस कड़ी में आप जोड़िए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात की तस्वीर सामने आई। पहले दोनों आगे पीछे बैठे थे लेकिन फिर दोनों बराबर में बैठे, मतलब जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन का कोई ना कोई संदेश तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जरूर दिया होगा, और ठीक उसी तरह से एमके स्टालिन ने भी इंडिया गठबंधन का कोई ना कोई संदेश जरूर चंद्रबाबू नायडू को दिया होगा। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अभी तक भी उम्मीद में लगा हुआ है कि किसी तरह नीतीश कुमार उनके पाले में आ जाएं और किसी तरह चंद्रबाबू नायडू उनके पाले में आ जाएं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि हम अभी भी सरकार बना लेंगे अगर वो लोग हमारी तरफ आते। क्योंकि एनडीए जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसके तुरंत बाद ही कांग्रेस का स्टेटमेंट सामने आता है। कांग्रेस ने ये बयान दिया कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, और जिस तरीके से अब स्टालिन की और नायडू की मुलाकात हुई है, और स्टालिन की छवि हमेशा से मोदी विरोधी रही है, वो खुलकर हिंदुत्व का विरोध करते रहे हैं, उनके बेटे ने हमेशा हिंदुत्व को डेंगू से तुलना कर दी, तो हमेशा बवाल होता रहा है। और एक जैसे ही एनडीए की बैठक खत्म हुई और बैठक के तुरंत बाद नायडू स्टालिन से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। क्या स्टालिन या नायडू कुछ खेल तो नहीं करते? राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, बिल्कुल संभावनाओं का ही खेल है राजनीति, और इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं अभी तक भी अपनी संभावनाएं तलाश कर रहा है। भले ही वो एक सिरे से कह रहा है कि वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है, राहुल गांधी उनके विपक्ष के नेता हो सकते हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ 10 साल आप सोचिए कि 10 साल से वो सत्ता से दूर हैं। अब अगर उनके हाथ मौका लगता है, संभावनाएं बनती हैं कि वो सत्ता में आ जाएं, तो वो सत्ता में क्यों नहीं आएंगे? इसीलिए आप समझिए कि एमके जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों फिलहाल एनडीए गठबंधन के साथ बड़े नेता हैं, 28 सीटों वाले नेता हैं, और ये 28 सीटें अगर 234 सीटों में जाकर मिल जाती हैं तो उसके बाद इंडिया अलायंस को सिर्फ 8 सीटें चाहिए होंगी, और मुझे उम्मीद है कि इतनी बड़ी पार्टी है और इतने जब अलायंस साथ 40 दल साथ होंगे तो वो 8 जो है अन्य लोगों को, अन्य सांसदों को अपने साथ मिला सकते हैं। तो संभावनाओं का जो बाजार है वो गर्म किया पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात की उन तस्वीरों ने, जिससे कल हड़कंप मचा, उसके बाद जो संभावनाओं का बाजार है वो गर्म किया एमके स्टालिन। लेकिन इसी के साथ एमके स्टालिन ने जब नायडू से मुलाकात की तो उनका एक ट्वीट सामने आया, हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि मुलाकात किस वजह से हुई है और क्या दौरान दोनों के बीच में बात हुई है, तो उनका ट्वीट भी पढ़ के सुना देते हैं। एमके स्टालिन ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि मैंने नायडू को अपनी शुभकामनाएं दी हैं और आशा व्यक्त की है कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भाईचारे वाले राज्य के संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार में दक्षिण राज्यों की वकालत करने और हमारे अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी कि स्टालिन ने अभी इन संभावनाओं पर विराम लगा दिया है कि वो नायडू इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं या
नहीं, ये मुलाकात भाईचारे के तौर पर हुई है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी। सबनों में एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें, मुलाकात तो वैसे भी आमतौर पर होती है बिल्कुल, और ये मुलाकात अगर अब से 2 महीने बाद होती या अब से 2 महीने पहले होती तो इस मुलाकात का कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन राजनीतिक परिपेक्ष ऐसा है कि इस मुलाकात के कई मायने निकल रहे हैं। और दूसरी बात, जो स्टालिन साहब ने बात की है अधिकारों की, इससे पहले कौन सा साउथ के अधिकार हनन हो रहा था, उससे पहले भी साउथ के अधिकार लगातार उन्हें मिल ही रहे थे। तो समय इंपोर्टेंट, समय की इंपोर्टेंस है, संभावनाओं की इंपोर्टेंस है कि राजनीति में एक चीज जो कभी खत्म नहीं होती वो संभावनाएं हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब एनडीए में वापस आए थे अभी 4 महीने पहले जब वो वापस आए, तब भी एक दिन पहले तक जो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं वो इंडिया अलायंस के साथ ही हैं और वो एनडीए के साथ नहीं जा रहे। तो जब तक डील चल रही है जैसी कोई बेहतर डील मिलती है या फिर तो कुछ बात होती है तो रास्ते अलग हो जाते हैं। खैर, तो अब एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात पर तमाम अटकलें लग रही हैं। खैर, उन्होंने स्टालिन ने ये भाईचारे की मुलाकात कहकर अटकलों पर विराम लगा दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में नीतीश या चंद्रबाबू नायडू क्या खेल करेंगे ये देखने वाली बात होगी। तो पल पल की अपडेट के लिए, जानने के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।